देखो यहाँ पे ये वैद्य जी की सारी दवाइयाँ लगी हुई हैं, नीचे नीचे वाली ये देखो दवाई है वैद्य जी की। क्यों दादाजी, ये दवाई ये किस पर काम करती है, किस चीज की दवाई है? मवेशी की दवाई है जी। मवेशी की है? अच्छा, ये कितनी खाने पड़ती है, क्या करते हैं आप? सिर से बांटने पड़ती है के? बांट करके गाय के दूध में एक गिलास दूध में नहीं, एक गिलास ना हो, 100 ग्राम हो, 100 ग्राम 50 ग्राम हो, 50 ग्राम अच्छा, उसको मतलब सिल पे पीस के बांट के पीस के। हाँ ये बात सही है, ये दवाई तो मैंने भी, मैं ग्वालियर था तो मैं लेके आता था एक दिन के लिए। अच्छा, ये दवाई बिल्कुल सही। और ताऊजी जी काय की दवाई है ये वाली? वो दांत की है। दांत की जी कैसे खाई जाती है? जी पानी में खाई जाती है, पानी के साथ है। पानी के साथ इसको पीस के बांट के? अच्छा अच्छा, क्या गिलास पानी? एक गिलास पानी काली मिर्च के साथ। हाँ देख लो भाई, अगर ऐसी दवाई कहीं खड़ी हो आपके यहाँ तो आप भी खा सकते हो, संपर्क कर सकते हैं, फोन लगा के और दवाई खा भी सकते हो आप। दवाई खा भी सकते हैं पीस के, एक गिलास पानी के साथ बता रहे हैं ताऊ, उसको पीस के आप खा भी सकते हैं। और जे ताऊ एलोवेरा है जी। एलोवेरा काय के लिए है ये? जी खाज खुजली और घोड़ा फुंसी। अच्छा, इसमें चलता है। और ताऊ जी मासे हो जाते हैं चेहरे पे, उसके लिए भी काम करेगा? मासे पे काम करेगा। अच्छा, इसको क्या करना पड़ता है? इसको बकला छील करके इसको लगाओ। अच्छा, बकला छील के। बहुत सामान चीज है बहनों भाइयों, ये दवाई बहुत सी जगह खड़ी हुई देखी है मैंने, और बहुत सी जगह इसके पेड़ खड़े हुए हैं। ये दवाई का उपयोग जरूर तुम कर सकते हो, ये देसी दवाई है, उपयोग कर सकते हैं आप घर पे। आता है इससे ही बनता है, जो इसे ग्वारपाठा बोलते हैं। हाँ, ग्वारपाठा बोलते हैं इसको। और ये क्या आता हूँ जी, काय की चीज है जी, क्या चीज है जी, काय की दवाई है? ये तो फुलवाद है। फुलवाद सर में दर्द होता है, सर में दर्द उस पर बांट करके इस पे चढ़ाओ। बहनों भाइयों देखो, सामान सी बात है, सिर में दर्द तो सबके होते रहता है। और जे ताऊ और भी जगह मिलेगी कि अपने यहाँ भी मिलेगी? जी कहीं भी होगी और भी होगी। हाँ, जिस सिर में दर्द के लिए है, और सामान सी बात है क्योंकि आज के टाइम में लोग मोबाइल लैपटॉप ज्यादा चलाते हैं और घी इतना दूध नहीं खाते हैं कि भाई उनके सिर में दर्द हो ही नहीं कभी, तो सिर में दर्द हो तो इसको बांट के आप खाने पड़ती है टूट जाती है। बहनों भाइयों, हड्डियां टूट जाती है उसके लिए है ये हरजुड़ी, अलग अलग हो जाए फिर भी जुड़ जाएगी। केवल पहले मिला लेवा, इसको मिलाने के बाद पियो, केवल दूध में पीने पड़ेगी, दूध में पीना पड़ेगा। देख लो भाई, बिल्कुल ग्वारपाठा है और ग्वारपाठा की बगल में है, बिल्कुल ग्वारपाठा जैसे ही हड़जुड़ी है, लेकिन वो हड़जुड़ी है। देखो हालांकि ग्वारपाठा खड़ा नीचे और ऊपर हड़जुड़ी खड़ी, देखो सही अच्छी चीज है। पत्थर चट्टा जी किसके लिए है दाऊ? ये पथरी के लिए काम करता है पत्थर चट्टा। अच्छा जी, कैसे काम करता है? इसको बांट करके थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके पत्ता पियो, इसको पत्ता जो पथरी साफ कर दे। बहुत से लोग वैद्य जी, बहुत से लोग पथरी से ज्यादा नहीं है पथरी, तो क्या देखो ताऊ क्या है, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। पथरी सफेद पानी, ठीक है, पथरी और सफेद पानी और सिर में दर्द है और बवासीर भगंदर, ये ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं ताऊ, 100% में से 70% लोगों को परेशानियां है ये, ठीक है। बहनों भाइयों, ऐसा वीडियो कोई ब्लॉगर नहीं बनाता होगा जी, मैं हजारों आदमी अपनी तरफ से जो हमारे पास है, मैं अपनी तरफ से दिखवा रहा हूँ कि जो दवाइयां, अगर यदि आपके समझ में नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हम उसका कमेंट का हर शख्स को रिप्लाई भी देंगे और दवाइयां हमने दिखाई भी है, आपके क्षेत्र में गांव में आसपास मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो कमेंट करके देखो बताना। क्यों ताऊ, जी क्या चीज है जी क्या चीज है? ये फुलवाद है। फुलवाद है, सर पर काम जी भी करती है, सिर पर काम करती है। हाँ। सिर पर पीस के और चढ़ाना है इसको,
तो इससे सर दर्द बंद हो जाएगा? सर्द पर आधासी पे, आधासी वाला आधा सर पर आता है, आधासी कहते हैं अंडा आधासी को, आधा आधा माने आधा सर, एक साइड दर्द करता है एक साइड नहीं करता, वो सबसे खतरनाक दर्द है। नाम द्वारा सूंघा जाता है और तुरंत सर को मतलब उतारता है। अच्छा अच्छा, आधोसी लकड़ी को सूंघा जाता है, पत्तों का, पत्तों का सूंघा जाता है। तो आप देख सकते हो बहनों भाइयों, गारंटेड है यहाँ दवाइयाँ, बता रहे हैं ताऊ। और ऐसी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं देगी, नहीं देगी। क्यों ताऊ, जी क्या चीज है, जी क्या खड़ा है तुम्हारे यहाँ? जी का पेड़ आया काय का, धनत्तर कहते हैं इसको, धनत्तर गाय के मठा में या भैंस के मठा में इसको पिए जाता है मवेशी बवासीर, मवेशी बवासीर के लिए। देखो बहुत सी दवाइयां, मवेशी बहुत सी दवाइयां बताई हैं बहनों भाइयों, आपको समझ में आया होगा वीडियो। और मवेशी बागानदार जो भी है, आपको ये पेड़ सामान्य सी बात है मिल जाएगा बहुत सी जगह, कहीं कहीं तो नहीं है ये पेड़, तो बहुत जगह मिल जाएगा। तो आपको कैसे खाया जाता है इसको? इसको खाया जाता है मठा के साथ, मही कहते हैं उसको, पीस के, इसको पीस के। अच्छा, और इसको खाओ और दो चार दिन में ही नष्ट मवेशी बवासीर। अच्छा। और यदि जैसे जो दिन आप रखे होंगे, उस कौन से दिन को ज्यादातर सही शुभ रहता है दवाई लेना? दवाई लेना सुबह अधिकतर शनिवार और रविवार। अच्छा। और मंगलवार, तीन बार। अच्छा, तीन बार। हाँ। और आपके यहाँ जो लोग आते हैं, बहुत से हमने देखे शनिवार रविवार बहुत सी दवाई ले जाते हैं, तो देख लो भाई, वो शनिवार रविवार व्यधि भी घर पे रहते हैं। हाँ। पक्का मिलेंगे शनिवार रविवार को, पर अदर दिन कहीं भी जा भी सकते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को घर पे मिलेंगे। फोन नंबर कर दीजिए हमें, फोन नंबर, फोन नंबर भी ऐड हम करेंगे, बाद में आपको करेंगे जिम का हम बोले ना बोले। बहनों भाइयों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बस यही निवेदन है। तब इधर करना दो, एक एक दो बार हाथ ऐसे, वीडियो चालू रखना, ऐसे करो, तुम बालगन आ जाओ बालगन, हमने बनाना। हेलो, माय यूट्यूब चैनल में बहनों भाइयों स्वागत है आज के ब्लॉग में। सोचा आज ताऊ के घर आए हैं, और कुछ उस दिन बताया था ना ताऊ ने, बवासीर, बागानदार, मवेशी, दांत, ये इनके दवाइयों के बारे में ताऊ ने बताया था। सोचा आज दिखाते हैं वो दवाइयाँ भी, और ताऊ का घर भी है, घर भी दिखवाएंगे आपको। हाँ ताऊ जी, जैसे ये दवाई मिलती है आपके यहाँ, तो क्या ये लोग सुरक्षित होते हैं पूरी तरीके से? हाँ, गारंटी है। किस किस दिन को दवाई मिलती है? रविवार, शनिवार, सोमवार, केवल गुरुवार छोड़ कर जी। पर सब हाँ, दिन को मिलती है? सब दिन को मिल जाती है, मिल जाएगी। और एक नंबर से बात करें, मोबाइल नंबर से। अच्छा, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। एक बार बता दे दवाइयों कैसे कैसे, कौन कौन सी दवाई हो पहले बता दे, जे दवाइयों की दवाई मिल जाएगी यहाँ पर? करीबन मिल जाएगी पथरी की, मिल जाएगी। अच्छा, बवासीर, बवासीर, मवेशी, मवेशी है ना जी, आल्स होती है जी, मतलब जी तीन चार प्रकार की होती है जी, जिनकी गारंटी के साथ इलाज है। अच्छा, दांत, सफेद पानी, दांत देख लो भाई, जिस किसी को प्रॉब्लम हो इस बीमारी से जूझ रहा हो, तो ये ताऊ जी है बहुत पुराने, तो जिनके यहाँ पे बहुत से लोग ठीक होके गए हैं और आते हैं, ठीक होके जाते हैं, हर कोई मतलब ठीक होके जाता है। एक बार जाने में क्या जाता है, आने में आराम से देखो, एक बार चेक करो, उसके बाद आप कहोगे ठीक हुए नहीं है, आप आए और दवाई क्या देखें। बहनों भाइयों, यूपी से यहाँ बहुत लोग आते हैं, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, और एमपी में ये अपना गांव पड़ता है, गांव का नाम है ग्राम घासीपुरा, गोकुलपुरा, तहसील महंगा, जिला भिंड, थाना अमाइन, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर है ये गांव। आपको अभी दवाइयों के बारे में रूबरू करवाते हैं, अभी एक एक दवाई तुम्हें दिखाएंगे, दिखाएंगे किसके काम में आती है। अगर किसी के दूर होता है, अगर उसके यहाँ पे थोड़ी बहुत दवाई होती है, तो वैद्य जी बताएंगे कि ये दवाई जिसे थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है, तो वैद्य जी के यहाँ पे आइए और देखिए वैद्य जी को, एक बार जरूर आए।
ठीक है भाइयों बहनों, और जरूर आने का प्रयास करें। देखो भाई, आप वीडियो देख रहे हो, दवाई बता भी कमेंट करना, तो उसके लिए वीडियो ही बना देंगे अपन कि आप इतने दिन तक इतने बजे तक ठीक हो जाओगे आप दवाइयों से, और कुल मिला के ठीक हो गए, आपको आराम मिलेगा। ऐसा गांव एक भी नहीं है जहां दवाइयों ना मिलती हो, क्योंकि दवाइयों के बारे में अभी लोगों को नॉलेज नहीं है और इतनी जानकारी नहीं है। ऐसा क्षेत्र एक भी नहीं है जिसमें दवाइयां ना खड़ी हों, सब जगह दवाइयां खड़ी हैं। हाँ बैर जी, क्या है, पहले से ही बहुत पुराने हैं, आप देख सकते हैं इतने बुजुर्ग हो गए हैं, करीबन 60 से प्लस होंगे, साठ से ऊपर हो, 65 के समथिंग है।